पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मोबाइल टेस्टिंग क्लिनिक और एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1991 में आईएएस के लड़के बलवंत सिंह मुल्तानी को अगवा करने और उनके शव को खुर्द बुर्द करने के मामले में नामजद पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को आज अदालत ने राहत देते हुए 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोरोना काल में एनआईआईटी जेईई प्रवेश परीक्षाओं टालने को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने दिल्ली में शास्त्री भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव तब तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया था जब तक कि राज्य कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त घोषित नहीं हो जाता। विधानसभा के बाहर धरने पर हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा सहित कई और विधायक बैठे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति के कारण सरकार को वे परेशान नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवाई जाएं। टांगरा के नजदीक गांव जब्बोवाल में एक व्यक्ति द्वारा अवैध हथियार के साथ गोली चलाने की खबर मिली है। फिरोजपुर जिले में कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान पुलिस विभाग के एक सहायक थानेदार की मौत हो गई। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और दोनों ही पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवारी का नामांकन आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है।